सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, ओबीसी वाले और एससी एसटी वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओबीसी वाले जब ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो हमने खुद से फॉर्म भर के देखा है, ओबीसी जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में है या क्रीमी लेयर में है। तो वहां आप नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट कीजिएगा अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं है तो। अक्सर 99% बच्चे नॉन क्रीमी लेयर में ही हैं, तो आप नॉन क्रीमी लेयर अप्लाई करेंगे और वहां अप्लाई करने के बाद आपको ओबीसी जो आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसका डेट ऑफ इशूइंग और वगैरह वगैरह जो डिटेल मांगेगा वो दे देना है। एक चीज का और ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि ओबीसी कहां कहां चलेगा, स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का। तो सेंट्रल लेवल का ओबीसी देना है आपको, सेंट्रल लेवल का ओबीसी। अब कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज है कि सेंट्रल लेवल का क्या डीएम के यहां से बनता है, क्या सेंट्रल लेवल का ब्लॉक से बनता है। तो सेंट्रल लेवल का और स्टेट लेवल का दोनों अप्लाई होता है अलग अलग, बनता है एक ही जगह से, ब्लॉक से। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, इसमें एकदम आपको टाइम नहीं बिताना है। सेंट्रल लेवल का ओबीसी और स्टेट लेवल का ओबीसी दोनों अलग अलग अप्लाई होता है, अप्लाई का लिंक अलग अलग है, बनता एक ही जगह से है, ब्लॉक से। इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे कुछ कुछ लोहार वाले हैं या कुछ अन्य जाति के लोग हैं जो यहां पर बिहार में एससी एसटी में आते हैं और केंद्र में ओबीसी में, तो जहां केंद्र में जो जिसमें आप आते हैं उसी में आपको अप्लाई करना है। तो उन बच्चों के साथ कुछ समस्याएं भी हो रही है कि वो ओबीसी अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनका ओबीसी यहां बन नहीं रहा है, तो वो बातें अलग हैं। इसका आप फिर से मैं बता दूं, जो बच्चे ओबीसी से आते हैं ओबीसी में एनसीएल सेलेक्ट करेंगे, नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करेंगे, और ओबीसी सेंट्रल सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए। तो सेंट्रल का बना हुआ और स्टेट में खाली डिफरेंस ये है कि दोनों का लिंक अलग अलग है, अप्लाई अलग अलग होता है, बनता ब्लॉक से ही है, ब्लॉक के ही लोग आपको बना के देंगे। ऐसा नहीं कि सेंट्रल का जो है डीएम से बनेगा, स्टेट का जो है आरओ से बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ब्लॉक से ही बनता है, खाली अप्लाई अलग अलग होता है। एक चीज ये, दूसरा एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको एससी एसटी में एक बात का ध्यान रखना है कि एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होता है लेकिन ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होता, खाली आपको सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इश्यूइंग वगैरह देना होता है। ओबीसी का कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होता है लेकिन एससी एसटी का सर्टिफिकेट अपलोड होता है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो उम्मीद करेंगे कि आप इसको प्रॉपर वे में ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर नहीं डालते क्रीमी लेयर में जाते हैं तो आप यूआर में काउंट हो जाइएगा। अगर आप क्रीमी लेयर देते हैं तब आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, आप यूआर में अपने आप काउंट हो जाइएगा, तब आपको ओबीसी का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।